हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो आज मैं जिस कैफे में शूट करने आ रखा हूँ, एक्चुअली इसके पहले वाले आउटलेट का वीडियो मैंने अपने इस कैफे इस व्लॉग वाले पेज में डाल रखा है, जिसका नाम डी ड्रीम कैफे के नाम से होगा। वो लोग आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और कैफे को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। 7 से 8 हज़ार अराउंड उसमें अभी व्यूज हो चुके हैं। तो इसलिए मैं इसकी थर्ड आउटलेट अभी ओपन हुई है न्यू रोहतक में। ये जेके बुक डिपो वाली गली की साइड है, डी पार्क साइड। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। स्मोकिंग कैफे ऊपर डी ड्रीम। हाँ जी, तो जैसे कि आपने लोकेशन देख लिया होगा, ऊपर ये थर्ड फ्लोर पे है कैफे। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको सामने काउंटर दिख जाएगा। तो मेन सीन यू है, यहाँ का पार्टी हॉल है और सीटिंग वगैरह अवेलेबल है, प्राइवेट सीटिंग भी अवेलेबल है। अगर आपको ग्रुप में हॉल बुक करना है, मीन्स मान लो आपको 30 से 40 बंदों की आपकी पार्टी है, तो आपको जो मेन पार्टी हॉल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पार्टी हॉल आपको मिल जाएगा मिनिमम फूड बिलिंग में। मान लो आपके 15 से 20 अराउंड मेंबर्स हैं, आपको 3 घंटे के लिए बुकिंग करनी है, तो इस हिसाब से आपकी मिनिमम फूड बिलिंग हो जाएगी। हॉल के कोई आपको फूड नहीं लेना, सिर्फ पार्टी हॉल बुक करना है, तो उसके आपके हॉल के चार्जेस होंगे। तो मेन आपको शायद ये हॉल काफ़ी सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन इसकी खासियत है इसकी लाइटिंग और इसका जो स्मोक बजेक मारते हैं हम, यहाँ पे पूरा स्मोकी एनवायरनमेंट हो जाता है। तो मैं वो आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो आपको बार बार मतलब कि यहाँ वहाँ जैसे होता है ना कि घर पे बैठे बैठे आजकल सबको जानना होता है, तो मैं आपको वीडियो में बना के दिखा देता हूँ कि कैसे लाइटिंग में कैसा दिखेगा हॉल और स्मोकीनेस में कैसा दिखेगा। Get it.
crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip and the gun time. Dropping bodies in the place till sundown. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. जैसे कि आपने देख लिया होगा कैसा क्लब वाला टाइप फील आ गया था, एकदम क्या पार्टी वाली एकदम सेक्सी लग रहा था। और जो ये सीटिंग है ये सारी साइड में हो जाती है, डांसिंग वगैरह का पूरा स्पेस बन जाता है, म्यूजिक सिस्टम भी पूरा लाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक मैंने इसलिए डाउन करवा रखा था क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो म्यूजिक मैंने इसलिए थोड़ा बंद करवा रखा था। बाकी पार्टी हॉल में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्पेस भी फुल है। जो सीटिंग वगैरह है वो साइड में आपकी अरेंज करवा देंगे बैठने के लिए, और डांसिंग के लिए पूरा हॉल खाली हो जाएगा। तो उसके अलावा कपल प्राइवेट सीटिंग भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो होगी आपकी कपल की प्राइवेट सीटिंग। मींस जैसे कि आपको पता ही होगा इसमें काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से जज करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी यूँ है अभी दिल्ली साइड भी काफ़ी जगह, रोहतक साइड भी हो ही रहा है, जैसे कि सबको यार अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है कि कहीं कहीं बैठ के बात बात कर सकें। अभी बाहर आप कहीं भी बैठोगे पार्क वगैरह में तो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, साथ में आप भी डिस्टर्ब हो गए, कोई पीछे से वीडियो वगैरह फोटोज वगैरह खींच लेगा, कोई आगे कुछ बदतमीजी करेगा। इससे अच्छा है कि फ्रेंडली कैफे कट नहीं मारूंगा इसको, मैं वीडियो ऐसे डालूंगा। तो इसका जैसे क्या होता है, फ्रेंडली कैफे होते हैं कहीं भी आप जाके, मीन्स अगर आपको प्राइवेट सीटिंग मिल रही है तो आप बैठो। यूँ आप नॉर्मल कैफे में जाओगे जहाँ प्राइवेट सीटिंग अवेलेबल नहीं है, वो आपको मिनिमम फूड बिलिंग बैठा देंगे, कहीं भी बैठा देंगे, क्या पता वहाँ कैमरे हो, क्या पता कुछ और बात हो, और आपसे बाद में ज़्यादा टाइम चार्जेस भी ज़्यादा ले सकते हैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कि हाँ भाई तुमको तो प्राइवेट बैठना था इसलिए यहाँ के चार्जेस इतने हैं उतने हैं। तो मिनिमम फूड बिलिंग होती है पार्टी हॉल की भी कोई मिनिमम फूड बिलिंग होती है प्राइवेट सीटिंग भी सेटिंग की। मान लो आप पर कपल हो तो यूँ लगा लो 200-300 अराउंड आपका मिनिमम फूड बिल होगा, उसके आप एक घंटे अपना प्राइवेटली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइवेसी भी आपकी पूरी रहेगी, कोई ऐसा ऐसा सीन नहीं है कि कोई भी आगे आपको डिस्टर्ब करेगा, ओके रिपोर्ट रहेगी जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया। उसके अलावा मान लो आप 10-15 मेंबर्स हो, आपको डांसिंग वगैरह नहीं करनी, सिर्फ आपको प्राइवेट सीटिंग चाहिए जहाँ थोड़ा बहुत फूड वगैरह ऑर्डर करके अपना इन्जॉय कर सको 1-2 घंटा। मान लो जैसे मीटिंग होगी या कुछ भी होगी उसके लिए भी पार्टी हॉल अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए ये पार्टी हॉल रहेगा आपका, इसमें 10-15 मेंबर्स की सीटिंग अरेंज हो जा सकती है, नॉर्मल उससे बड़ा ही है थोड़ा, और एसी वगैरह लगा हुआ है तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। म्यूजिक सिस्टम यहाँ भी लगा ही हुआ है जैसे आप देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा सा पार्टी हॉल 10-15 मेंबर्स के लिए मान लो आपको मीटिंग वगैरह करनी है तो अरेंज हो जाएगा। या बाहर बैठे हो 100 बात होती है, कोई पीछे से वीडियो बना रहा है, फोटो बना रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो इससे अच्छा है कि आप किसी कैफे में जाओ जो थोड़ा फ्रेंडली है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ही हूँ आप किसी नॉर्मल कैफे में जाके जहाँ ये सिस्टम ना हो,
मान लो वहाँ जाके आप कहते हो कि सर हमको प्राइवेट सीटिंग चाहिए, वो आपको किसी भी रैंडम हॉल में बैठा देंगे, क्या बताओ वहाँ कैमरा हो, क्या बताओ बाद में आपसे मान लो पहले तो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं, बाद में आपके मजबूरी का फायदा उठा के कि नहीं ये तो पार्टी हॉल था, इसके तो 1000 चार्ज है, 500 चार्ज है, कितने भी चार्ज ले सकते हो अपनी मर्जी से बाद में, कि आपको तो प्राइवेट सीटिंग चाहिए बोल के। तो यहाँ पहले से प्राइवेट सीटिंग अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आप आ सकते हो, कभी बैठ सकते हो, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप सोच रहे होगे कि रेट कैसा है, मेन्यू कैसा है, तो मैं आपको मेन्यू भी दिखा देता हूँ, चिंता मत करो। ये आपका मेन्यू रहेगा, बर्गर है, सैंडविच, मैगी, रैप, स्टार्टर्स हैं, रेट भी जेन्युइन है, कुछ ऐसा नहीं है ज़्यादा रेट हाई पाई कर रखा हो, रेट भी जेन्युइन है रोहतक के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से रेट इतना बनता भी है। फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप ट्राई करना। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ड्यू ड्रीम कैफे के पेज में या मेरे सेफी पेज में आप मैसेज कर सकते हो। ड्रिंक्स हैं, मोजिटो हैं, शेक हैं और कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ कर लिया पिज़्ज़ा ऑर्डर, देखने में काफ़ी लजीज लग रहा है और इसका बेस भी काफ़ी थिन क्रस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। हेल्दी पिज़्ज़ा है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, टॉपिंग भी अच्छी हो रखी है। और अगर आपको पार्टी हॉल पसंद आया हो या किसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप डे ड्रीम कैफ़े के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, अपना पार्टी हॉल बुक कर सकते हैं। मोर वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय। लोकेशन आपकी रहेगी डी पार्क, जेके डिपो वाली गली, D3 कैफ़े, थर्ड फ्लोर।